हरियाणा के जनौली गांव के पास कुख्यात बदमाश व उसके भाई पर गोली चलाकर अपहरण किया गया। उसके बाद इसी महीने जमानत पर जेल से बाहर आए पवन उर्फ कालू को जंगल में ले जाकर रॉड, लाठियों व हथौड़े से बुरी तरह पीटा गया। आरोप कुख्यात बदमाश गौरव और उसके साथियों पर है। गौरव एक महीना पहले जमानत पर आया था। कुछ समय पहले तक कालू व गौरव दोस्त थे। दोनों पर ही लूट, फिरौती व हत्या के केस दर्ज हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पवन व गौरव लूट, फिरौती व हत्या के मामलों में जेल में बंद थे। गौरव 2 माह पूर्व ही जेल से जमानत पर आया था और मृतक पवन उर्फ कालू इसी माह जेल से जमानत पर आया था। दोनों की आपस में दोस्ती भी बताई गई है, लेकिन किस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की ही हत्या कर दी, इसकी जांच की जा रही है। पलवल की चौकी प्रभारी विकास ने बताया कि फतेहपुर गांव निवासी सागर ने शिकायत में कहा है कि वह और उसका भाई पवन गुरुवार देर शाम पलवल से जनौली होते हुए अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जनौली गांव निवासी गौरव, उसका भाई व अन्य युवकों ने उन्हें देखते ही उन पर गोली चला दी और रास्ता रोक लिया। इसी दौरान आरोपी हथियार के बल पर एक काले रंग की सफारी गाड़ी में उसके भाई पवन उर्फ कालू को मानकोर रोड की तरफ ले गए। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कालू को मृत घोषित कर दिया।